खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। साध्वी अगर सियासत की पीड़ित हैं, तो क्या शहादत का अपमान करेंगी? कथित हिंदू आतंकवाद की आरोपी साध्वी धर्म युद्ध लड़ने की बात करती हैं। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे और ये दिन और रात भूलते थे। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। लेकिन धर्म युद्ध में क्या साध्वी को राष्ट्र विरुद्ध बयान देने की आजादी है? हेमंत करकरे को वो जांच आयोग, जांच जो बिठाई थी, वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, कथित हिंदू आतंकवाद के आरोपी साध्वी जो असहनीय पीड़ा सहने की कहानी सुनाती हैं। इतनी गंदी गालियां देते थे, पीटते उल्टा लटका देंगे, तुझे निर्वस्त्र करेंगे। असहनीय मेरे लिए कहना, साध्वी ने क्या धर्म युद्ध में राह आसान करने के लिए शहादत का अपमान किया? ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, और ठीक सवा महीने में जिस दिन जिसको आतंकवादियों ने मारा, उस दिन सूतक का अंत हो। साध्वी के बयान वाले बम विस्फोट ने क्या बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है? जिन लोगों ने भी उन पर अत्याचार किया, भाई सबका सर्वनाश होना चाहिए। पार्टी का ऐसा कोई मत नहीं है, उन्होंने भाववेश में कहा है और उनको ऐसा बचना चाहिए इन चीजों से। राष्ट्रवाद पर सीधा लोहा लेने वाली बीजेपी को साध्वी ने डिफेंस मोड में क्या डाल दिया? मोदी जी, शहीदों को देशद्रोही कहने के लिए अपनी पार्टी के देशद्रोह के लिए देश से माफी मांगिए। प्रज्ञा जी ने जो बात कही है, हो सकता है वो उनका एक व्यक्तिगत सोच हो, क्योंकि वो खुद भी एक जांच के शिकार रह चुके हैं, तो इसीलिए उनका एक नजरिया हो सकता है। साध्वी ने क्यों मुंबई हमले में आतंकियों की गोली से शहीद हेमंत करकरे की शहादत का अपमान किया? मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, चुनाव आयोग शहादत का अपमान करने वाली साध्वी पर अब क्या फैसला लेगा? बीजेपी के लिए राष्ट्रवाद की नायिका बनती साध्वी के सेल्फ गोल की पूरी कहानी आज आप जानिए। साध्वी संत, जो काम क्रोध लोभ मोह पद और अहंकार की बुराइयों से दूर रहे, लेकिन सांसद पद के लिए चुनाव लड़ रही बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ने पीड़ा से पनपे क्रोध में ऐसा बयान दे दिया कि बीजेपी की राष्ट्रवादी राजनीति कुछ देर के लिए हिल गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कल तक आपने मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को पूछताछ के दौरान दी गई यातना का दर्द बताते देखा सुना, लेकिन आज साध्वी प्रज्ञा की संतवाणी विवादों में उलझ गई, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुंबई हमले के दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हेमंत करकरे की शहादत का अपमान कर दिया।
बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया और बाद में साध्वी ने इसे व्यक्तिगत बयान बताकर क्षमा मांग ली। तो क्या बात खत्म हो गई, या फिर यह माना जाए कि चुनावी धर्म युद्ध में राह आसान बनाने के लिए शहादत का अपमान साध्वी ने किया? धर्म की जय करो, मैं धर्म के पक्ष में हूँ, ये मेरी विजय करो। बातें धर्म की विजय कराने की, और मैं विजयी होकर पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इससे राष्ट्र का कार्य अच्छे से करें, धर्म का की सुरक्षा हो, धर्म से भारत की सुरक्षा हो, बातें धर्म की रक्षा और देश के कल्याण की। जब मेरी विजय होगी उसके पश्चात विजय माला आपको पहनाने आऊंगी, तब तक मैं ये माला स्वयं नहीं पहनूंगी। लेकिन क्या विजय की माला पहनने से पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने विवादों की माला अपने गले में डाल ली? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी, सलाखों के पीछे से निकलकर सत्ता के सफर पर चली साध्वी को भोपाल में दिग्विजय सिंह के सामने उतारकर बीजेपी ने सोचा होगा कि भगवा आतंकवाद के आरोप की भूमिका तैयार करने वाले दिग्विजय सिंह को जनता की अदालत में घेर देंगे। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान खुद बीजेपी को ना निगलते बना ना उगलते। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, बीस सभा में सकता है, जब किसी की मृत्यु होती है ये जन्म सूतक लगता है, तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया, और बीस सभा में साध्वी प्रज्ञा उन हेमंत करकरे के सर्वनाश की ताकत अपने श्राप में बता रही थी जो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्हीं शहीद हेमंत करकरे के लिए कुछ यूं साध्वी प्रज्ञा ने बताना शुरू किया। हेमंत करकरे को वो जांच आयोग, जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे, उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी को छोड़ दो, सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा उधर से, आतंकियों की गोली से शहीद हुए हेमंत करकरे की शहादत के 11 साल बाद साध्वी क्यों शहीद का अपमान करने लगी ये बताएंगे। पहले सुनिए आगे क्या कहा साध्वी ने। ये उसकी कुटिलता थी, ये देश द्रोही थी, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्या पता भगवान जाने, तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। देशद्रोह, धर्म विरुद्ध, कुटिलता और भगवान के पास चले जाओ जैसे शब्दों का इस्तेमाल साध्वी प्रज्ञा उन हेमंत करकरे के लिए कर रही थी जिनकी वीरता को, जिनकी शहादत को देश ने 26 जनवरी 2009 को अशोक चक्र से सम्मानित किया था। श्री हेमंत कमलाकर करकरे संयुक्त पुलिस आयुक्त महाराष्ट्र मरणोपरांत 26 नवंबर 2008 को रात 9:40 पर श्री हेमंत कमलाकर करकरे संयुक्त पुलिस आयुक्त और आतंकवादी रोधी दस्ते के प्रमुख को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई पर आतंकवादियों के आक्रमण के बारे में सूचना मिली। श्री करकरे ने आतंकवादियों का पीछा किया लेकिन इस कार्रवाई में उनकी जीप पर घात लगाकर हमला किया गया जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी वो ऑपरेशन का नेतृत्व करते रहे
और एक आतंकवादी को घायल कर पाने में सफल हो गए। श्री हेमंत कमलाकर करकरे ने आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में उच्च कोटि के साहस, बहादुरी और नेतृत्व का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन शहीद हेमंत करकरे के लिए साध्वी प्रज्ञा ने आगे जो कुछ बोला वो कमान से छूटा ऐसा तीर बना जिसने दिन भर बीजेपी के राष्ट्रवादी चरित्र को विपक्ष के हाथों में खेलने का मौका दे दिया। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं थी, इतनी गंदी गालियां थी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक सवा महीने में सूतक लगता है जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है, तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। राजनीति में एंट्री के बाद पिछले तीन दिन में साध्वी अभी हिंदूवादी छवि को ही कैश कराने में जुटी हुई हैं। पहले दिन भोपाल के चुनाव को धर्मयुद्ध बताया, दूसरे दिन आंसुओं के साथ जेल में मिले दर्द को साझा किया, तीसरे दिन धर्म देश की बात करते हुए शहादत का अपमान कर बैठी। साध्वी के बयान का बम विस्फोट हुआ तो चुनाव आयोग ने भी इस बयान पर संज्ञान ले लिया। IPS एसोसिएशन ने साध्वी के बयान की कड़ी निंदा की। इसके बाद जब चारों तरफ से बयान की निंदा होने लगी तब साध्वी से दोबारा उनके इस बयान के बारे में जब पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो विषय हमारी पीड़ा का है, वो विषय हमारे संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। जब हम अकेले में कभी मुझे वो बातें याद आ जाती हैं तो हम रोते हैं, इसलिए उन विषयों को ना छेड़ो तो ज्यादा ही अच्छा है। मालेगांव बम धमाके की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा भी जमानत पर बाहर है। मालेगांव ब्लास्ट के पहले जांच अधिकारी हेमंत करकरे ही थे। जांच के दौरान हेमंत करकरे उस वक्त महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख थे। जांच के दौरान हेमंत करकरे ने ये कहा था कि ब्लास्ट में जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था वो प्रज्ञा ठाकुर के नाम से थी। हालांकि NIA की जांच में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी गई। तो क्या साध्वी को हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठाने की आजादी मिल जाती है? ठीक सवा महीने में सूतक लगता है, और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। इसी बयान के बाद दिन भर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रवादी कार्ड से ही बीजेपी को घेरने का मौका साध्वी ने विरोधियों को दे दिया। मोदी जी शहीदों को देशद्रोही कहने के लिए अपनी पार्टी के देशद्रोह के लिए देश से माफी मांगिए। हेमंत करकरे जी की शहादत को नमन करते हैं। ऐसे ही भारत के जितने वीर हैं, हमारे भाई हो, हमारी बहनें हो, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, उन सब के परिवार और उनके साथ हम हैं, उनका नमन करते हैं। हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे। प्रज्ञा जी ने जो बात कही है हो सकता है वो उनका एक व्यक्तिगत सोच हो, क्योंकि वो खुद भी एक जांच के शिकार रह चुके हैं, तो इसीलिए उनका एक नजरिया हो सकता है। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता ओहापोह में थे। कुछ नेता साध्वी के बयान के साथ थे तो कुछ इस बयान को उनका निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ रहे थे। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सरीके वो नेता बीजेपी को घेर रहे थे जिनको बीजेपी देश विरोधी बताती थी। ऐसे में बीजेपी को बयान जारी कर साध्वी के बयान से पीछे छुड़ाना पड़ा। लेकिन शाम तक अपने बयान पर अड़ी रही साध्वी को रात होने से पहले उसी बयान के लिए क्षमा मांगनी पड़ी। मैंने कहा ये मेरे घर की बात है, घर में अगर किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो हम अपने घर में निपट लेते हैं, पर अगर बाहर कोई दुश्मन हमारे खुश हो रहे हैं तो मैं बिल्कुल अपना बयान वापस लेती हूँ और क्षमा भी चाहती हूँ। मुमकिन है कि साध्वी प्रज्ञा में यह बदलाव आला कमान के निर्देश के बाद आया हो, ये बदलाव चुनावी हो, मुमकिन है। लेकिन अब जनता की अदालत में फैसला कराने पहुंची साध्वी प्रज्ञा को ये समझना होगा कि चुनाव जनहित और जनता के विकास पर लड़े, राष्ट्रहित के मुद्दे पर लड़े, लेकिन शहादत का अपमान करके नहीं।
चुनावी घोषणा पत्र में राजनीतिक दल और नेता शिक्षा की बदहाली दूर करने के लिए बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन शिक्षा की बदहाली की तस्वीर बिल्कुल नहीं बदलती, जैसा मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हुआ। पूरी खबर देख लीजिए। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का भंडार कक्ष, जिसके अंदर स्कूली किताबों का ढेर है, इन किताबों के शुरुआती पेज पर संदेश, जिसके साथ शिवराज सिंह चौहान का बतौर मुख्यमंत्री नाम और उनके हस्ताक्षर। लेकिन मध्य प्रदेश में तो सरकार बदले 4 महीने हो चुके हैं, मुख्यमंत्री अब शिवराज नहीं बल्कि कमलनाथ। लेकिन मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किताबों का जो ढेर लगा है, उस पर शिवराज का नाम और संदेश है। और यही वजह है कि शहडोल के सरकारी स्कूलों में 1ली से 12वीं क्लास तक की किताबें अब तक बच्चों के हाथों तक नहीं पहुंच पाई हैं, जबकि नया शिक्षा सत्र शुरू हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जिन पर किताबें बांटने की जिम्मेदारी है, वो तो अभी किताबों में शिवराज वाले पेज पर गूंद लगाकर उसे आगे वाले पेज से चिपकाने में जुटे हैं, ताकि ये पेज पढ़ने में ना आए। ऐसा करीब 20 लाख से ज्यादा किताबों के साथ किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जी का संदेश, उसको विलोपित करा रहे हैं। संदेश मतलब चिपका दिया गया, पूरा विलोपित करा दिया गया। शहडोल जिले में 1622 प्राइमरी स्कूल, 499 मिडिल स्कूल, 96 हाई स्कूल और 87 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों में करीब 1,55,000 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से मुफ्त किताबें बांटी जाती हैं। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर 2018 को विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन इससे पहले ही 2019-20 के शिक्षण सत्र की किताबें शिवराज सरकार ने प्रिंट करवा ली। लेकिन शिवराज सत्ता से चले गए, रह गई तो उनके नाम और संदेश वाली ये स्कूली किताबें, जिसका नतीजा ये है कि बच्चों को पुरानी किताबों से काम चलाना पड़ रहा है। किताबें ना मिलने से कई स्कूलों में तो बच्चों ने आना ही छोड़ दिया है। जो दीदी लोग थी 9th पास करके अभी 10th में गई है, उनसे बुक लेके हम पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि नई पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। एक कारण हो सकता है बच्चों के स्कूल ना आने। हाँ, हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। यदि पुस्तकें उपलब्ध हो जाए तो बच्चे स्कूल जरूर आएंगे। शैक्षणिक सत्र 19-20 के लिए अभी हमें पुस्तकें एक भी नहीं मिली है, ना प्राथमिक की, ना माध्यमिक की, ना ही हायर सेकेंडरी की। सवाल मौजूदा कमलनाथ सरकार और उनके अधिकारियों पर भी उठता है, जिसने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं किताबें बट रही हैं, जहां नहीं बट रही वहां जांच करवाएंगे। मेरी जानकारी के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध हो गई हैं, और बीच में कुछ ये अवकाश के दिन वगैरह भी थे और परीक्षाएं इसके पूर्व चल रही थी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में उचित जो है उचित समय पर ये पूरी कार्यवाही हो जाए, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। जाते जाते मध्य प्रदेश की हकीकत बताता ये आंकड़ा भी देख लीजिए। 2018-19 में सरकार ने शिक्षा के लिए 18,998 करोड़ का बजट रखा। ये प्रदेश सरकार के कुल बजट का 12.9% है, जो देश के दूसरे 18 राज्यों के मुकाबले कम है।